भाई मेरा नाम है कार्तिक पुरी और मैं यहाँ पे आपको ट्राइफ मोटरसाइकिल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनके कई सेगमेंट्स में बाइक्स आती हैं, जिसमें से पहली बाइक जो है वो है रोडस्टर। इसका नाम है स्ट्रीट ट्रिपल, ठीक है जी। दिस इज़ अ 675 सीसी इंजन एंड दिस इज़ मेंट फॉर योर नॉर्मल स्ट्रीट राइडिंग एज वेल एज हाईवेज एज वेल। कम्स विद 675 सीसी और इसकी जो PSP पावर है वो है 105, ठीक है जी। 140 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर दी गई है, जो इसको प्रैक्टिकल बाइक बनाती है, जिससे आप इसको ऑल ओवर इंडिया, मतलब आप इंडियन रोड्स में आराम से चला सकते हैं। इफ यू कैन सी, दिस इज द बाइक कमिंग विद इनलाइन 3 सिलेंडर, जो इंडियन 1 सिलेंडर में कन्वर्ट होता है। मेड फॉर स्पोर्टी लुक्स एज वेल एंड नेकेड बाइक दिया गया है, जिससे इसका वजन जो है वो ऑलरेडी बहुत लाइट है, ठीक है जी। 105 bhp की पावर है, जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, सो आप बैठ के राइड करके इसकी पावर को फील कर सकते हैं। कमिंग विद डुअल डिस्क ब्रेक्स इन द फ्रंट, इसमें आगे 2 डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं फ्रंट टायर पे, एक यहाँ है एंड दूसरी उस साइड। दिस इज द ब्रांबो डिस्क ब्रेक, निसिन की डिस्क ब्रेक्स हैं जो यूज़ की गई हैं इसमें। इसका एक और मॉडल आता है जो इससे अपग्रेडेड वर्जन है, उसको कहते हैं हम स्पीड ट्रिपल। वो 1050 cc का है, वो अराउंड 135 bhp है, ये 105 bhp है। इसके बाद हमारी जो फैमिली चेंज होती है वो आती है सुपर स्पोर्ट्स में, उसमें आ जाता है डेटोना, जिसके बारे में ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं। दिस इज अ 675 cc इंजन अगेन, 126 bhp की इसकी पावर है, मेड फॉर पावरफुल रेसिंग बाइक्स। और इसके बावजूद इसके अंदर एक और मॉडल आता है डेटोना 675R, विच इज़ अ ट्रैक बाइक, कम्स विद क्विक शिफ्टर, जो आपको बाइक की स्पीड, बाइक की रेसिंग, बाइक की पावर को और बेहतर बनाता है। दिस इज अगेन अ चेन ड्रिवन बाइक, ठीक है जी, कमिंग विद ट्रैक टायर्स, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रिपिंग है ऑन द रोड वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। ये मेरे दो मॉडल थे, जो एक रोडस्टर था, एक सुपर स्पोर्ट्स था। अब इसके बाद मैं आपके पास ऐसी बाइक लेने जा रहा हूँ जिसको चलाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं वो कौन सी सड़क पर इस बाइक को लेके जाना है। इसका नाम है टाइगर 800, दिस इज टाइगर 800, कमिंग विद 800 cc इंजन। पूरी टू व्हीलर इंडस्ट्री में, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में, प्रीमियम ब्रांड में इसकी सबसे हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है 203 mm, जो इसको बनाता है कि आप इस बाइक को जहां मर्जी लेके जा सकते हैं, ऑन रोड, ऑफ रोड, कहीं भी। दिस इज अगेन चेन ड्रिवन बाइक, 800 cc का है, विद अ वेरी गुड ग्राउंड क्लियरेंस। यू कैन सी द बॉडी, यू कैन सी द डिजाइन। इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन आता है जिसको हम कहते हैं टाइगर 1200, वो शार्प ड्रिवन है, इसे थोड़ा हैवी है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है, विच इज 1200 cc का इंजन, वेरी पावरफुल अगेन। दिस इज अराउंड 97 bhp, दैट इज अराउंड 135 bhp। ये हमारी एडवेंचर सीरीज में आता है। इसके बाद हमारा जो स्टार्टिंग मॉडल्स हैं, जो हम स्टार्ट करते हैं, जिनसे जो बेस मॉडल आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं क्लासिक्स, ब्रिटिश बाइक। ये बाइक्स वर्ल्ड वॉर टू से बनती आ रही हैं, इनके इंजन को उन्होंने रिफाइन करा है, इसकी लुक प्रॉपर वही दी गई है जो पुराने टाइम पे आती थी, बस इंजन को रिफाइन करके पावरफुल बनाया गया है। 865 cc का इंजन है, अराउंड 67 bhp की पावर है बाइक की। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस इसकी भी 140 mm है, जिससे ये भी एक ऐसी बाइक है जिसको आप जहां मर्जी लेके जा सकते हैं। लोगों का सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि इसको लेके हम लद्दाख जा सकते हैं या नहीं, ऑफ रोड थोड़ा बहुत कर सकते हैं या नहीं। थोड़ा बहुत ऑफ रोड अगर आप करना चाहते हैं, आप इस पर कर सकते हैं। वेरी कम्फर्टेबल, कमिंग विद गुड ब्रेकिंग सिस्टम, गुड सस्पेंशन सिस्टम। आप इसके मफलर्स देखेंगे, दोनों तरफ निकले हुए हैं, आगे दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी। इसके बाद इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जो है बॉनेविल 300, सेम इंजन पावर, कमिंग विद सेम इंजन पावर जो है इसका। बस इसमें जो डिफरेंस दिया गया है, इसका फ्रंट टायर जो है वो बॉनेविल से बड़ा है और स्पोक व्हील्स हैं इसमें, और जो इसका इंजन है वो क्रोम करा गया है। इसके इंजन को सारा क्रोम फिनिश दी गई है, जो बॉनेविल था वो मैट आउट फिनिश, मैट फिनिश में था। अगर आप देखें उस पर ध्यान दें, वो मैट फिनिश में है बॉनेविल, ठीक है जी। उसके बाद इसका, इसके अंदर आपको एक टैकोमीटर एक्स्ट्रा दिया गया है, जो आपको बॉनेविल में नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर, टैकोमीटर दोनों दिए गए हैं। और इसमें आपको एक और ऑप्शन बहुत अच्छी दी गई है, इसके कलर ऑप्शन आपको डुअल मिलेंगे, डबल शेड का कलर टैंक आपको बाइक के अंदर मिलेगा, जो आजकल लोगों को बहुत पसंद है कि हमें ट्विन कलर्स चाहिए, दो कलर्स मिल जाएँ, वो ज़्यादा पसंद आता है लोगों को। इसके बाद आई टेक यू माई CBU कैटेगरीज, जो मेरी क्रूजर्स की कैटेगरीज हैं, ठीक है। जो मेरी सबसे पहले शुरू होती है थंडरबर्ड स्टॉर्म। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ अपने क्रूजर सेक्शन के अंदर। ये सबसे पहला मॉड्यूल है मेरे क्रूजर सेक्शन, मॉडल है, इसको कहते हैं थंडरबर्ड स्टॉर्म। इसका इंजन जो है 1700 cc का है, कमिंग विद
200 mm ऑफ टायर, इसके टायर सही 200 mm का है, जो इसकी ग्रिप के लिए बहुत, मतलब जो आपकी रोड की ग्रिप है, ग्रेविटी जो है उसको प्रॉपर जमा के रखता है। इसके भी मफलर्स अगर आप देखें दोनों तरफ से निकले हुए हैं, जो इसके लुक को और बेहतरीन कर देते हैं। ठीक है जी, दिस इज 1700cc इंजन, 97 bhp, विच इज़ अमेजिंगली वेरी पावरफुल। इसके इंजन जो है वो पैरेलल ट्विन है, सिंगल पिस्टन के साथ पैरेलल ट्विन इंजन दिए गए हैं। ठीक है जी, एक होते हैं वी ट्विन, ये पैरेलल ट्विन है, सिंगल पिस्टन के साथ पैरेलल ट्विन इंजन दिए गए हैं। 1700cc का इंजन दिया गया है 97 bhp के साथ। फ्रंट में जो इसको अगर हम देखा जाए, इसका अगर आप लाइट्स देखें, डुअल हेडलैम्प्स हैं। इसका जो सिस्टम है, इसकी दोनों हेडलैम्प्स एक साथ जलेंगी। इसका ये सिस्टम ये है कि अगर आपकी एक जलेगी तो दूसरी हाई बीम पे जलेगी, इसकी दोनों इकट्ठी जलेंगी और हाई बीम पे ये अच्छी ग्लो देगी। और इसका हैंडल बार अगर आप देखें, इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल बॉबर स्टाइल हैंडल बार इसका दिया गया है, जिससे आपकी जो सीटिंग है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, और आपकी बॉडी पोस्चर 90 डिग्री बन जाता है विद योर स्ट्रेच्ड आउट हैंड्स। अब मैं आपको इस पे बैठ के दिखाऊंगा जो इसका सिटिंग पोस्चर है वो कैसे आता है। और आपके जो लाते हैं वो ऑलरेडी बहुत फॉरवर्ड आ जाती है, जिससे आपकी जो सीट सिटिंग पोजीशन है बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। सो अगर आप लॉन्ग नाइट्स में जाना चाहते हैं, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू गो। पावरफुल कमिंग विद ABS ब्रेक्स, जिससे आपकी ब्रेकिंग बहुत बेहतरीन होती है। इसका अपग्रेडेड वर्जन दिखाऊंगा, ये नेकेड वर्जन था, अब इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है उसमें सामान लोड किया गया है, जो हम आमतौर पर हम इस बाइक पर लगाते हैं लोग, कि हमने आगे विंडस्क्रीन लगाना है, पीछे सैडल बैग लगाना है, उसके बाद पीछे बैकरेस्ट लगाना है, या आगे हमने यहाँ पे सैडल बैग्स लगाने हैं, वो मेरे पास ये बाइक है। इसको कहते हैं हम थंडरबर्ड स्टॉर्म LT। इस थंडरबर्ड स्टॉर्म LT के अंदर आपको सामने विंडस्क्रीन मिलेगा, दो ऑक्स लैंप्स मिलेंगे, एक बड़ा हेडलैम्प मिलेगा। ठीक है जी, प्लस इसका जो बेहतरीन वर्जन है, इसके पेंट के साथ जो मैच करता है, वाइट वॉल टायर्स। और आप टायर्स देखें, इसके टायर्स भी वाइट वॉल है, अगर आप देखना चाहें स्पोक व्हील्स हैं, बट ये जो इसका टायर है ये ट्यूबलेस है। ये भी 1700cc है, लिक्विड कूल्ड है, ये पैरेलल ट्विन सिंगल पिस्टन बाइक है आपका, विद वेरी कंफर्टेबल सीट। इफ यू कैन सी, दिस इज फॉर योर हिप बोन प्लस योर बैक सपोर्ट, बहुत इजी एंड वेरी कंफर्टेबल विद फुट बोर्ड्स, जिससे आपकी जो सिटिंग है और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, थंडरबर्ड स्टॉर्म से भी ज़्यादा। पीछे वाले के लिए भी हाफ मिनी फुट बोर्ड्स दिए गए हैं, जिससे वो जब बैठे कंफर्टेबल फील करे, विद सैडल बैग। मैं आपको ट्रायम्फ के क्रूजर सेगमेंट की सबसे बड़ी बाइक दिखाने जा रहा हूँ, जो ऑल ओवर टू व्हीलर क्रूजर सेगमेंट में सबसे बड़ी है। इसका जो इनहाउस इंजन है वो 2300cc है, 2.3 लीटर इंजन, ये 150 bhp के साथ आता है। इनलाइन 3 सिलेंडर आप देख सकते हैं, ये जो निकल रहे हैं, शार्प ड्रिवन बाइक है, 370 kg के अराउंड इसका वेट है, वेरी वेरी लाइट टू राइड, सीम्स हैवी, दिखती हैवी है, दिखती भारी है, रोबस्ट लुक के साथ है, डुअल कैलिपर डिस्क ब्रेक जो इसकी ब्रेकिंग को बहुत अच्छा बनाते हैं, कमिंग विद अ गुड ग्राउंड क्लियरेंस, जिससे जब ये चलती है तो आपको जो मेजर दिक्कत आती है कि स्पीड ब्रेकर पे लगेगा या कुछ होगा, वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। दो मफलर्स हैं, क्रोम्ड आउट मफलर्स हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, एक इस साइड है, एक आपका दूसरी तरफ है, इसके भी ट्विन साइडेड आपके मफलर्स आ रहे हैं। ठीक है जी, पीछे से देखा जाए तो इस बाइक की लुक बहुत ब्रॉड दी गई है, जिससे आपको देख सकते हैं कि 240 mm का तो आपको टायर दिया गया है, जिससे जब आप बाइक राइड कर रहे हैं आपको टर्निंग के लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि ग्रिप आपकी प्रॉपर रहती है। प्लस इसके अंदर जो पेंट जॉब दिया गया है वो बहुत शानदार दिया गया है, डुअल पेंट जॉब के साथ एक स्ट्राइप्स दी गई हैं, जो इसकी लुक्स को और बेहतरीन बनाती हैं। हर बाइक के ऊपर बैठ के दिखाते हैं कि बाइक का पोजीशनिंग कैसी है, बैठ के आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, और बाइक की आपको साथ के साथ प्राइस रेंज भी बताऊंगा कि किस बाइक की कितनी कीमत आपको पड़ती है। सबसे पहले मैं बैठने लगा हूँ स्ट्रीट ट्रिपल के ऊपर, इसका प्राइस है 8,08,000, और ये इसकी पोजीशनिंग है, आपको अपराइट पोजीशन आती है जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके हैंडल बार, आपकी बॉडी का जो डिग्रीज, अगर हम डिग्री के बारे में बात करें, बॉडी का जो डिग्री बनता है 75 to 80 degree पे आपकी बॉडी आती है। ये आपके फुट पे रखने की जगह है, पैर आपके यहाँ पे आते हैं,
सो ये आपको कंफर्टेबल फील कराती है सिटी एंड हाईवे राइड्स बोथ के लिए। आपका टर्निंग रेडियस भी बहुत अच्छा बनता है इससे। अब मैं आपको डेटोना 675 की पोजिशनिंग दिखाऊंगा, इसमें बंदा बैठ के कैसी पोजिशनिंग आती है। इस बाइक का प्राइस है 1,80,000। इस बाइक की जो पोजिशनिंग है वो आपकी स्पोर्ट्स मॉड्यूल वाली पोजिशनिंग आती है। इफ़ यू कैन सी मेरे जो लाते हैं प्रॉपर एस शेप मेरी बॉडी की बन रही है, 65 डिग्रीज का मेरे बॉडी का एंगल बन रहा है, जो मेरे को एट द टाइम ऑफ रेसिंग अगर मैं कर रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ टर्न करना है तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा बाइक को टर्न करना। मैं अपनी बॉडी के साथ पूरी बाइक को टर्न कर सकता हूँ। आइए देखिए, देखते हैं टाइगर 800 XC। ये 203 mm की ग्राउंड क्लियरेंस वाली बाइक है, जो बेसिकली बहुत लंबी हाइट वाले लोगों के लिए बनी गई है, बनाई गई है। बट इसके अंदर आपको एक फीचर दिया गया है जिसे आप शॉकर्स अपने एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और नीचे आ सकती है, सीट हाइट लो हो जाती है, इससे हर कोई इसमें बैठ सकता है। और इसका जो प्राइस है सिर्फ 12.5 लाख रुपये। अब मैं आपको बॉनिविल की सिटिंग पोजीशन के रिगार्डिंग बताऊंगा। ये क्लासिक बाइक जो 140 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, इसमें मेरे बॉडी पोस्चर पूरा 90 डिग्री के एंगल में होता है, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल, जो मेरे को राइडिंग के लिए बहुत ईजी रहता है। सो दैट मेरी थकावट सिटी राइड के लिए या हाईवे पर अगर मैं जा रहा हूँ बहुत कम होती है। बॉनिविल के बाद अब बॉनिविल 300 पे मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा। सेम बाइक सेम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, इसकी जो आपका फर्क पड़ेगा सिर्फ हैंडल बार में पड़ेगा। बॉडी का पोस्चर मेरा 90 डिग्री रहेगा, आपके हाथ थोड़े ऊपर आ जाएंगे और इसका जो फ्रंट टायर है इसकी आगे से हैंडल बार की हाइट को बढ़ा देता है, जिससे मेरे लिए और ईजी हो जाता है। जो थोड़े लंबे हाइट के लोग हैं उनके लिए उनके शोल्डर्स में पेन नहीं होगी, उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। लेट्स सी ट्रायम्फ रॉकेट 3, द मोस्ट रोबस्ट बाइक ऑफ ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स। अगेन बाइक जो 140 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ है, इसमें मेरा सिटिंग पोजीशन जो बन रहा है वो अगेन 90 डिग्री बन रहा है, जो इस बाइक की राइड को मोर कंफर्टेबल बना देता है। जैसे मेरे हैंडल बार्स अगर आप हाथ देख सकते हैं, मेरे हाथ की पोजीशन देख सकते हैं, व्हेन आई एम ऑन लॉन्ग राइड्स शॉर्ट राइड्स दिस इज वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, सो दिस इज इजी टू राइड बाइक। लेट्स सी द लेटेस्ट लॉन्च थंडरबर्ड स्टॉर्म LT, जो ट्रायम्फ मोटरसाइकिल का लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। दिस इज अ फुल क्रूजर बाइक, इसमें आपको फुटबोर्ड्स दिए गए हैं, जिससे एक होते हैं फुटपेग्स एक होते हैं फुटबोर्ड्स। जब आप फुटबोर्ड्स होते हैं इस पर आपका पैर पूरा रेस्ट करता है, अगर आप देख सकते हैं मेरा पूरा पैर, मेरे लिए बहुत इजी रहता है आगे ब्रेक मारना है वापस रेस्ट करना है। तो मेरे लिए जो लॉन्ग राइड्स पर मैं जाना जाता हूँ 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर या 1000 भी, इट इज़ वेरी इजी टू राइड, आई कैन इजीली राइड दिस बाइक 1000 किलोमीटर्स। इस थंडरबर्ड स्टॉर्म LT का जो प्राइस है ये आ रहा है 16 लाख रुपये का। लेट्स सी थंडरबर्ड स्टॉर्म, इसकी जो सिटिंग पोजीशन है अगेन आपकी बहुत ही कंफर्टेबल आ जाती है, कमिंग विद फुट पेग्स इन द फ्रंट, तो आपका 90 डिग्री एंगल बनता है फॉर सिटी राइड्स हाईवेज, इज अ क्रूजर बाइक इजी टू राइड बाइक, और इसका जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 14,08,000। ये थे मेरे कुछ रिव्यूज ट्रायम्फ बाइक्स को लेके, जो ब्रिटिश का ब्रांड है जो हमको इंडिया में बहुत आसानी से अवेलेबल हो रहा है। सो मेरा जो रिव्यू रहा है बाइक्स में, मुझे बाइक्स बहुत पसंद आई हैं, इनकी परफॉर्मेंस इनकी प्रैक्टिकलिटी इंडियन रोड्स पे चलाने के लिए बेहद खूबसूरत बाइक्स हैं। आपको इसमें वैरायटीज़ आपको मैंने सारी बताई हैं, स्पोर्ट्स होगी आपकी क्लासिक्स होगी रोडस्टर्स सुपर स्पोर्ट्स और क्रूजर्स, ठीक है जी। तो आपको जो चीज़ आप चाहते हैं जो चीज़ आप चलाना चाहते हैं जो चीज़ आपको फिट करती है आपकी स्टाइल को वो आपको यहाँ पे सब अवेलेबल होगा। सो प्लीज़ जाइए और ढूंढिए। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आए हों तो आप इस चैनल न्यूज़ टुडे लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।